ये जो फेस वॉश मैंने आपके साथ शेयर किया था, सबसे पहले आप इसके कमेंट सेक्शन को जाकर आज भी चेक कर सकते हैं कि कितने सारे लोग इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, उठा रहे हैं और आज भी गजब के रिजल्ट्स पा रहे हैं। ये हर स्किन टाइप अपने लिए फॉलो कर सकता है, ये हर एज ग्रुप अपने लिए फॉलो कर सकता है और बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकता है और पा रहा है। ये जो फेस वॉश मैंने आपके साथ शेयर किया था सेकेंड नंबर पर, ये एक्ने प्रोन स्किन या फिर कोई करंट प्रॉब्लम आपके चेहरे पर है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लमैटिक एरिया आपके स्किन पर है, आप इसको रिलीजियसली रेगुलरली फॉलो कीजिए फॉर सम टाइम एंड यू विल सी कि आपके चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम था, इवन आपके स्किन का जो टेक्स्चर है वो भी इम्प्रोवाइज हो रहा है। आज जो फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड और विजिबल चेंजेस आपको दिखेंगे। इवन इफ आपकी मैच्योर स्किन है, 30 प्लस अगर आप हैं, तो भी आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे कि आपकी स्किन बेटर ऑफ हो रही है, आपको वापस रिवर्ट कर रही है और आपको खूबसूरत से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एक और विकल्प मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आपने अपने लिए एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कर लिया तो आई प्रॉमिस यू कि आप को कुछ ना कुछ बेटरमेंट अपनी स्किन पर दिखने वाला है। मेड बी टेक्सचर, मेड बी इशू, मेड बी सैगिनेस, मेड बी डलनेस, मेड बी एनीथिंग, जो भी प्रॉब्लम है वो सब आंसर होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, अच्छे से समझिए और फिर एग्जीक्यूट कीजिए टू हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। हेलो टू माई वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, कैसा है मेरा पूरा परिवार नीचे लिखकर अवश्य बताइएगा और अगर पहली बार आए हैं तो परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और यहाँ जितने भी मैजिक हो रहे हैं उनको विटनेस करने के लिए टाइम पर अवश्य आइएगा। आज मैं आप सभी के साथ एक DIY फेस वॉश प्रिपेयर कर रही हूँ यूजिंग ब्लेंड ऑफ पाउडर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट पाउडर्स हैं जो कि अगर आप इंडिविजुअल इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ मैं बातें आज बताने वाली हूँ उनको सुन लेंगे तो यकीन मानिए इसकी पोटेंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। इस पाउडर को कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे अप्लाई करना है, पहले क्या लगाना है, बाद क्या लगाना है, एवरी सिंगल डायमेंशन मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद बेहतरीन रिजल्ट्स अपने लिए पा जाइएगा। वापस आके हमें ज़रूर बताइएगा क्या रहे आपके रिजल्ट्स। जल्दी से शुरू करते हैं इस DIY फेस वॉश का प्रिपरेशन। सबसे पहला पाउडर जो यहाँ पर आपको चाहिए वो है बीट रूट पाउडर, यानी कि चुकंदर जिसको हम कहते हैं उसका पाउडर। ये बहुत आसानी से आपके नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। अगर आपको डाउट है तो सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये जितने भी पाउडर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सभी एडिबल ग्रेड के हैं, यानी कि खाद्य हैं। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ा चम्मच बीटरूट पाउडर लिया है। आप चाहें तो चुकंदर घर में सुखा सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इसे ग्राइंड करके पाउडर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आज स्पेसिफिकली मैच्योर स्किन को एड्रेस कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी गलती ना हो, तो प्लीज़ किसी ऐसी जगह से इस पाउडर को पिसवाइएगा जहाँ पर बिल्कुल महीन हो जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि चेहरे को किसी भी तरीके से ये परेशान ना करे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है बीट रूट पाउडर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे अपने परिवार को बीट रूट के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि बीट रूट का विटामिन सी कंटेंट खाना और लगाना दोनों ही तरीकों से आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। किसी भी तरह का डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन अगर आपकी स्किन की है तो ये विटामिन सी कंटेंट बीट रूट का उसे इमीडिएटली फिक्स कर सकता है। वो पिंकिश ग्लो तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते जो कि आपके आपको इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन से मिलती है। ये खाद्य ग्रेड का है इसीलिए आप इसको खाइए भी और अच्छे से लगाइए भी और फिर देखिए क्या मैजिक आपकी स्किन के लिए ये अकेला कर सकता है। इतने महंगे विटामिन सी सीरम्स आप लेकर आ रहे हैं जो आपको नेचुरली यहाँ पर इस ड्राई पाउडर में मिल रहा है, तो प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ इट। दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है वो है एक बड़ा चम्मच रोज़ पेटल पाउडर। देखिए अगर आपके घर में गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो आप उन्हें सुखाकर और पिसवा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ हल्का सा भी खुरदुरापन रहे। ये जो फेस वॉश बनने वाला है ये इतना सौम्य और इतना सॉफ्ट होने वाला है कि इसके एप्लीकेशन से ही आप बोलेंगे कि वो महंगे से महंगे फेस वॉश जो हमने यूज़ किए हैं वो किसी काम के नहीं है, ये वो काम करके आपको दिखाने वाला है। रोज़ पेटल्स के अंदर होते हैं इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन B6, B12, विटामिन डी, इतने सारे सेलेनियम इसके अंदर होता है। इसके अंदर नेचुरली आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। जी हाँ, हम इतने महंगे महंगे सनस्क्रीन ले रहे हैं
और रोज़ पेटल्स वो नेचुरली कर सकता है। आप रोज़ का खाद्य होता है, आप सभी जानते हैं, आप रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं टू अटेन दैट न्यूट्रिएंट, और ये आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि रिंकल्स की तो आप बात ही भूल जाइए, आपको छू भी नहीं पाएंगे अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो रोज़ पेटल्स के बारे में अब आप इतना कुछ जान चुके हैं, तो इसको खाइए भी और पाउडर्ड फॉर्म में आज अपने फेस वॉश में लगाइए भी। तीसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे वो है एक बड़ा चम्मच सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं हमेशा चंदन की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार होता है और इतना रिलैक्सिंग होता है कि मतलब शब्दों में तो कोई नहीं बता सकता। एक बार ट्राई करके देखिए और फिर देखिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। सैंडलवुड को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ही जाना जाता है। आपको चोट लगी है, आपको बुखार है, आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है, आपको कोई भी परेशानी है, सैंडलवुड के लिए वो बाएं हाथ का काम है, वो आपकी स्किन को इमिडिएटली फिक्स कर सकता है। इतनी शिद्दत से ये पेड़ बनता, ये जो पाउडर है ये बनता है, पहले तो पेड़ बनता है, फिर पेड़ को सुखाया जाता है, फिर हम तक पहुंचाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। और अगर आप इसके बारे में और पढ़ेंगे ना, तो शायद आप पूरे डीआईवाई फेस वॉश में सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ इसी से मुंह धो लेंगे। जी हाँ, इट इज़ दैट रिलैक्सिंग, कामिंग, खुशबूदार होता है और बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन के लिए रखता है। चौथा इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है हमारा रोज़मर्रा का फेस क्लेंजर, एंड दैट इज़ ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन। अब बेसन के बारे में तो आई नीड नॉट टेल यू, हमने पहले फेस वॉश में भी यूज़ किया था, दूसरे फेस वॉश में भी यूज़ किया था और अब तीसरे में भी यूज़ कर रहे हैं। बेसन की जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इससे बढ़िया क्लेंजर और एक्सफोलिएटर कोई है ही नहीं। मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। आपको कोई मेकअप रिमूवर नहीं चाहिए, कोई माइसेलर वाटर नहीं चाहिए, कोई मिल्क नहीं चाहिए, सिर्फ बेसन कैन डू इट ऑल बाय इट्सेल्फ। जी हाँ, अकेले कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम बेसन का इस्तेमाल क्लेंजिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं और एक्सफोलिएशन यानी कि डेड स्किन को निकालने के लिए कर रहे हैं। पांचवा और आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है बहुत ही हाइड्रेटिंग। भाई मैच्योर स्किन जो होती है उसको सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए होती है, जिसके लिए हम हाइलुरोनिक एसिड और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इतने महंगे महंगे यू नो विटामिन ए, रेटिनॉल्स, रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नेचुरली मिलने वाला है, एंड दैट इज़ एक बड़ा चम्मच ऑफ चिया सीड्स। भाई चिया सीड्स के बारे में डू आई नीड टू टेल यू, मैं हर इंग्रेडिएंट के लिए ऐसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं हर किसी के बारे में बात कर चुकी हूँ। चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का भंडार है, मतलब इतने सारे गुड फैटी एसिड्स इसके अंदर हैं जो कि आपकी स्किन को जो सप्पलनेस देते हैं वो तो आपको लगाकर ही पता चलेगा। चिया सीड्स वही मैजिकल सीड्स हैं जिनको पानी में भिगाते हैं तो वो सारा का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मेड बी आपने कितना भी पानी दिया है, तो ये वही मैजिकल सीड्स हैं जिनका हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। आप इनको जब ये सीड्स ड्राइड हैं उसी फॉर्म में पीस लेना है और पाउडर्ड फॉर्म में ले आना है। इसी का एक चम्मच आपको यहाँ पर, एक बड़ा चम्मच यहाँ पर लेना है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और अच्छे से मिला के इन सभी पाउडर्स को आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। जैसे ही हवा लगेगी, चिया सीड्स तो बिल्कुल ही यू नो मॉइस्चराइज, आपको पता है स्टिकी हो जाते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद कर लीजिए, बाथरूम में रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, इसको कोई रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए, ड्राइड पाउडर्स हैं, जब तक इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं। जब भी आपको मुंह धोना है सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से भिगा लेंगे और इसी डीआईवाई मॉइस्चराइजर का एक छोटा सा स्कूप अपने हाथों में लेंगे, थोड़ा सा आप पानी लेंगे, इसको अच्छे से यू नो जेंटली मिक्स कर लेंगे एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। अगर आपके चेहरे पर कोई स्पेसिफिक इशू है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पर पिगमेंटेशन है या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, कहीं पर डार्कनिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हुए सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सॉफ्ट है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीट रूट है जो कि काफ़ी स्लिपरी होता है, इसमें चिया सीड्स हैं जो कि काफ़ी स्लिपरी होते हैं, ये बहुत आसानी से आपके चेहरे पर ग्लाइड करेगा। आपको झाग का, जो कुछ लोग होते हैं कि फेस वॉश का मतलब सिर्फ झाग होता है, उसकी कमी महसूस नहीं होने देगा, बहुत आसानी से ग्लाइड करेगा आपके पूरे चेहरे पर। अच्छे से एवरी निक एंड कॉर्नर ऑफ योर फेस आप क्लीन करेंगे और स्प्लैश करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर चिया सीड्स की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो वो
चिपका चिपकी फेस पे थोड़ी सी ज्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप वॉश कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी स्किन को वॉश कर लेने के बाद अपना अनुभव आकर नीचे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि मैं तो बहुत इंजॉय करने वाली हूँ आपके कॉमेंट्स को, क्योंकि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, सप्पल हो जाएगी, गुदगुदी सी हो जाएगी और इतनी मॉइस्चराइज हो जाएगी कि आप बस खुशी हो जाएंगे। तो बस वही खुशी आकर हमारे साथ इजहार कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, हमें भी बहुत खुशी होगी। ये जो आपकी स्किन पर मॉइस्चर आया है जो कि नेचुरल रेमेडी से अचीव हुआ है, ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है और ज़्यादा समय तक आपकी स्किन पर नहीं रहता है, इसीलिए एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन देना बहुत आवश्यक है। अब आप जिस मॉइस्चराइजर के लिए कंफर्टेबल हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना कॉन्फिडेंस शेयर करने के लिए आई हूँ, अपना मॉइस्चराइजर शेयर करने के लिए आई हूँ और ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए काफ़ी लोग इससे अवगत भी होंगे, एंड दैट इज़ कुमकुमादी तेल बाय महर्षि आयुर्वेदा। गर्मियों में कुमकुमादि तेल, जी हाँ, ये मौसम के अधीन नहीं है, ये जो मैजिक है, ये आयुर्वेद का मैजिक है। पूरा का पूरा लेबल मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, आप ध्यान से देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या कमाल के होते हैं। तिल के तेल में 26 कमाल के इंग्रेडिएंट्स को पकाया जाता है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप बोलेंगे क्या, जी हाँ, सैफ्रन यानी कि केसर, रोज पेटल्स, लिकराइस यानी कि मुलेठी, लाक्षा, मतलब आप बोलिए ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमें हमारी स्किन के लिए जादू हैं, उनको पकाया जाता है। ये आयुर्वेद का एलिक्सर कहा जाता है, एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि आपकी स्किन पर मौजूद किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। आपकी स्किन टाइप कोई भी है, आप किसी भी मौसम में रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ये एक्सटर्नल बॉटल है और ये आपको इस तरह के बॉटल में मिलता है। दिस इज 10 ml ऑफ क्वान्टिटी, 26 हर्ब्स, प्योर सैफ्रन का इस्तेमाल, और आपको एक ड्रॉपर मिलता है ताकि आप इसको कंटामिनेट ना करें। जस्ट टेक 5 to 6 ड्रॉप्स एज यू आर कंफर्टेबल, जितने भी आप कंफर्टेबल हैं उतना अपने हाथों में लीजिए, छोटे छोटे ड्रॉप्स अपने पूरे चेहरे पर लगाइए और अच्छे से मसाज कीजिए। यकीन मानिए ये आपके चेहरे पर मौजूद किसी भी परेशानी को एड्रेस कर सकता है, किसी भी मौसम पर इस्तेमाल। मैंने आपसे कहा कि मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ जबकि एक तेल है, जस्ट ज़्यादा नहीं लेना, 2 to 3 ड्रॉप्स लीजिए और पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। आपका चेहरा इतना मॉइस्चराइज रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने तेल लगा रखा है या मॉइस्चराइजर। 0 साइड इफेक्ट्स। मॉइस्चराइजर्स के लिए कहा जाता है कि आंखों के पास नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, इसको आप पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाइए, अपनी लैशेस पर लगाइए, आंखों के नीचे लगाइए, सर्कुलर मोशन पर मसाज कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपके चेहरे पर मौजूद किसी भी परेशानी को वैसे ही एड्रेस कर सकता है। किसी भी प्रकार के पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, प्रीमैच्योर एजिंग, रिंकल्स या कोई भी अनइवन टोन जो आ रखा है उसको एड्रेस कर सकता है और बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। मैंने आपको कहा मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज डूइंग वंडर्स फॉर माई स्किन। मुझे बिल्कुल भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं कई बार आपको रेमेडीज में मॉइस्चराइजर लगा के दिखाती हूँ, बट बिलीव मी वो एक स्टेप है उस प्रोसेस का, इसलिए मैं दिखाती हूँ, बट अदरवाइज डे टू डे लाइफ में मैं इसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड शेयरिंग माई कॉन्फिडेंस विद ऑल ऑफ यू। इस प्रोडक्ट के सभी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, अगर कोई डिस्काउंट कूपन मेरे पास अवेलेबल होगा तो वो भी मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगी। गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ और हमें भी बताइएगा आपके लिए ये कैसा रहा। तो वॉश भी कर लिया, मॉइस्चराइज भी कर लिया, अब क्या? अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से एक थिक कोट ऑफ सनस्क्रीन लगाइए, लेकिन अगर आप घर पर ही हैं, ज़्यादा लाइट नहीं है, शाम का समय है, तो आप सनस्क्रीन को मिस भी कर सकते हैं और इसी स्टेप पर रुक सकते हैं। आपको कोई खुश्की महसूस नहीं होगी, कोई स्टिफनेस महसूस नहीं होगी, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड सप्पल रहेगी, एंड यू विल बी रियली हैप्पी। सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है कि पानी के आसपास मत आने दीजिएगा, मॉइस्चर मत लगने दीजिएगा, अदरवाइज इट इज गुड टू गो फॉर मंथ्स टुगेदर, क्योंकि सारे ड्राइड पाउडर्स हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कीप इट सेफ एंड कीप यूजिंग एवरी सिंगल डे। जी हाँ, आप इसको ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं कि हर दिन इस्तेमाल में ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप स्केप्टिकल पर्सन है कि भाई रोज शायद कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो हो ही जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप जितना कंफर्टेबल हैं उतना कीजिए। शुरू में आप 2-2 दिन के गैप में कर सकते हैं, फिर आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो कमाल है, तो हर दिन इस्तेमाल में लाइए, कोई परेशानी है ही नहीं। आशा करती हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं ऐसे ही मैजिकल चीज़ें यहाँ लेकर आती रहती हूँ और अपने परिवार को बहुत सारी नई नई चीज़ें बताती रहती हूँ। सो मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर आई लव यू।